अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेरे ख्वाब और इसकी इस्लामिक ताबीर। आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ जिसमें आपको बताया जाएगा कि ख्वाब में रोशनी या लाइट का देखना कैसा है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ख्वाब में रोशनी या लाइट का देखना बहुत बहुत अच्छा है। अंधेरे में रोशनी का देखना या पाना, किसी मकसद को हासिल करने, दुआ के कबूल होने, कामयाब होने, मुकद्दर के अच्छे होने, आइंदा जिंदगी खुशगवार पाने की अलामत समझा जाता है। ख्वाब में रोशनी देखना अच्छे और पायदार फ्यूचर की अलामत है। बकौल हजरत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख्वाब में रोशनी का देखना दीन में हिदायत हासिल होने की अलामत है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि इसने रोशनी ली है या किसी ने इसको रोशनी दी है तो दलील है कि वो किसी को दीन का इलम सिखाए और सीधा रास्ता इख्तियार करेगा और दूसरों को भी सीधा रास्ता बताएगा। ख्वाब में अंधेरा, गुमराही, दीन में कमी और मुश्किलात में इजाफे की अलामत है और रोशनी देखना हिदायत, कामयाबी और खुशी की दलील है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, अल्लाह ईमान वालों का मालिक है और इनको तारीखी से नूर की तरफ निकालता है। अगर साहिब ख्वाब देखे इसके सीने में रोशनी या लाइट पड़ी हुई है तो दलील है कि वो नेक और पारसा बनेगा और अल्लाह ताला की खुशनुदी पाएगा। और अगर कोई देखे कि इसके आसपास रोशनी फैली हुई है तो ये खैर और आफियत, कामयाबी मिलने की अलामत है। रोशनी का ख्वाब में देखना दुनिया और आखरत में कामयाब होने की अलामत समझा जाता है और अल्लाह ताला जिसे चाहता है इसका दिल दीन इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर कर देता है। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह तबारक ताला आपका ख्वाब आपके हक में बेहतर करे और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल करना हो इस वीडियो के मुतालिक या किसी भी ख्वाब की कोई भी ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।